हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दीपिका की रेसिपीज़। कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर गुड। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लौकी की बर्फी की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी होने के साथ बहुत ही हेल्दी रहती है और बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में ये बन के रेडी हो जाती है। आप इसे फास्टिंग वगैरह में भी खा सकते हो। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, और वीडियो को स्किप किए बिना पूरा ज़रूर से देखिएगा ताकि कोई भी ट्रिक्स आपसे मिस ना हो रेसिपी की। तो यहाँ पे मैंने लौकी को अच्छे से धोकर उसे पील ऑफ कर लिया है। इसे हम अच्छे से कट कर लेंगे, और इसका जो ये मिडल पार्ट है ये हमें नहीं चाहिए, तो इसे हम निकाल लेंगे क्योंकि बर्फी में बीज वगैरह नहीं आना चाहिए। तो इस पार्ट को हम कट कर लेंगे। आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी लौकी की बर्फी बनाए ना, तो लौकी जो है बिल्कुल फ्रेश लें और बहुत ज़्यादा मोटी भी ना लें, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा बीज रहेंगे। तो इस तरह से मैं सारे पार्ट को निकाल लूँगी। तो अब मैं ग्रेट कर लूँगी लौकी को। तो यहाँ पे मैंने छोटे वाला ग्रेटर लिया है। इससे क्या होगा ना, बहुत ही छोटे छोटे से लच्छे बनेंगे, और जितने पतले लच्छे बनेंगे ना बर्फी, उतनी ही ज़्यादा अच्छी बनेंगी, उतनी ही ज़्यादा अच्छी लगेगी खाने में। अगर आपके पास ऐसे वाला नहीं है तो आप नॉर्मल जो रहता है ग्रेटर, उसके साथ भी कर सकते हो। तो इसके साथ थोड़ा सा टाइम मुझे ज़्यादा ज़रूर से लगा था, लेकिन लच्छे बहुत ही अच्छे से यहाँ पर बन के रेडी हुए थे, पतले पतले से। और थोड़े से जो यहाँ पे मोटा मोटा पार्ट दिख रहा है ना, इसको आपने बाद में जैसे ना रिमूव कर लेना है, या कोई आपको जैसे बीज वगैरह दिखे तो आपने उसे बाद में रिमूव कर लेना है। तो अब क्या करेंगे ना, हमें लौकी का सारा पानी इस तरह से निकाल देना है। हमें बिल्कुल भी लौकी में पानी नहीं चाहिए। छलनी की हेल्प से हम सारा पानी निकाल देंगे। आप किसी कॉटन के कपड़े में डाल के भी इसको छान सकते हैं। तो सारा पानी निकाल लिया है मैंने। अब इसमें अगर कोई बीज वगैरह है तो उसको मैं निकाल लूँगी। और यहाँ पे देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना, मतलब ऐसे पतले पतले से, ऐसे बहुत ही अच्छी बर्फी बन के तैयार होती है। ग्रेट करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ज़रूर से लगता है, लेकिन बर्फी बहुत ही अच्छी बनती है। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून घी डाला है, और इसमें अब हम लौकी को डाल देंगे, और इसको हमने पकाना है थोड़ा सा। पहले हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए चलाते हुए अब पका लेंगे, और बाद में ढक कर इसे 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे। और जो फ्लेम है उसको आपने लो ही रखना है, हाई बिल्कुल नहीं करना है। हाई करेंगे तो आपकी लौकी नीचे से लग जाएगी। तो 3 से 4 मिनट के बाद इसे फिर से अच्छे से चला के रोस्ट कर लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप दूध। दूध जो है आपका रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। तो अच्छे से चलाते हुए इसे मैं मिक्स कर लूँगी, और ढक के 5 से 10 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे हम पकने देंगे, ताकि जो लच्छे हैं लौकी के वो अच्छे से पक जाएं। बीच में आपको देख लेना है ज़रूर से, ताकि जो मतलब लौकी है नीचे चिपके ना। फिर से ढक देंगे, और फिर से इसे 4 से 5 मिनट के लिए और पका लेंगे। अभी देखिए यहाँ पे दूध जो है वो बिल्कुल अच्छे से सूख गया है, और जो हमारी लौकी के लच्छे हैं वो भी अच्छे से पक गए हैं। थोड़ी देर इसको अब मैं इसमें डाल दूँगी 1/4 कप मिल्क पाउडर। इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है बर्फी में। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जो भी लम्ब्स बन रहे हैं उनको अच्छे से तोड़ते हुए मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद मैंने 1/4 से थोड़ा सा कम मिल्क पाउडर और ऐड किया है। अगर आप 1/4 भी डालेंगे तो भी मतलब चलेगा। तो इस तरह से हम अच्छे से इसको मिला लेंगे और लम्ब्स को तोड़ते हुए। बहुत ही हेल्दी बर्फी बन के रेडी होती है ये फ्रेंड्स। ज़रूर से आप भी इसको एक बार ट्राई करना,
और यहाँ पे मैं हाफ कप डाल रही हूँ मिल्क मेड, और ये होममेड मिल्क मेड है। अगर आपको रेसिपी चाहिए होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर करूँगी। तो इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से मिलाने के बाद इसमें अब हम एक अच्छे कलर के लिए फूड कलर यहाँ पे ऐड कर देंगे। मैं यहाँ पे जेल फूड कलर ऐड कर रही हूँ। आपके पास जो भी कलर अवेलेबल हो आप वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो जितना आपको डार्क कलर चाहिए आप उसके हिसाब से कलर ऐड कर सकते हैं। तो पहले मैंने यहाँ पे 2 ड्रॉप्स ही ऐड किए हैं, लेकिन इससे कलर इतना ज़्यादा ब्राइट नहीं लग रहा था तो मैंने बाद में और कलर ऐड किया है। और क्योंकि मैंने यहाँ पे मिल्क मेड ऐड किया है तो यहाँ पे मैं शुगर ऐड नहीं कर रही हूँ। अगर आप मिल्क मेड ऐड नहीं कर रहे हो ना तो आप हाफ़ कप जो है शुगर यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो इसे ढक देंगे और इसे 5 से 6 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे। और जब ये थोड़ा सा पक जाएगा ना तो देखिए कलर इसका थोड़ा और ब्राइट हो गया है। तो बस अब हम इसे थोड़ी देर के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे अच्छे से, ताकि ये थोड़ा सा ना जमने वाली कंसिस्टेंसी में आ जाए। बहुत ही अच्छा कलर आया है बर्फ़ी का और देखने में बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा है। और कलर से ना इसके टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं आता है, बहुत ही टेस्टी बनती है ये। तो अब हम यहाँ पे इसको डाल देंगे ग्रीस की हुई प्लेट में। प्लेट को मैंने पहले ही ग्रीस करके रख दिया था और बटर पेपर लगा के, आप बटर पेपर नहीं भी लगाओगे तब भी चलेगा। तो अच्छे से इसे प्रेस करते हुए मैं यहाँ पर सेट कर लूँगी। थोड़ा सा मैं इसको इस तरह से शेप दे रही हूँ ताकि जो जब मैं पीसेस इसके कट करूँ तो वो इक्वल आए। अच्छे से दबाते हुए इसे सेट कर लेंगे। ऊपर से मैं यहाँ पे थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट यहाँ पे मैं पोर कर रही हूँ ऊपर से, ताकि ये देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा और जब खाते टाइम भी इसका जो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, आप अपनी पसंद का ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसे स्पैचुला से दबा के सेट कर लूँगी और इसे हम 1 घंटा तक सेट होने के लिए रख देंगे। मैंने इसे आधा घंटा फ्रिज में रखा था, तो आप नॉर्मल फ्रिज में भी रख सकते हो और ऐसे बाहर भी रख सकते हो। जब ये अच्छे से सेट हो जाएगी तो इसे हम कट कर लेंगे इस तरह से। आप अपने हिसाब से जैसा भी आपको कट करना है उस शेप में आप कट कर सकते हो। देखिए बहुत ही अच्छी बर्फ़ी बनके तैयार हुई थी। आप ज़रूर से बताना मुझे कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पे मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी कि अंदर से इसका टेक्सचर कितना ज़्यादा अच्छा आया है। बहुत ही लच्छेदार बर्फ़ी बनके तैयार हुई थी और उतनी टेस्टी ये खाने में भी लग रही थी। तो देखिए यहाँ पर जो लच्छे हैं ना वो कितने बारीक बारीक आए हैं ना। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा इसी तरह की और वीडियोस के लिए। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय एंड एंजॉय द रेसिपी।